हे गाइस, वन सेकेंड वेलकम यू टू रूट्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू वुमेन एंड फाइव मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है, वाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मेन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तब पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाई वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो डेट टेकन बाई वन मैन अलोन। यानी सिंपली हमें एक वुमेन के बारे में पूछ रहे हैं कि वो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे एंड वन मैन भी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, दोनों का अलग अलग हमें बताना है। तो आइए इन्हीं बातों को लिट कर लेते हैं। तो हमने लिट कर लिया, लिट टाइम टेकन बाई वन वुमेन टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज एंड वन मैन का हमने लिट कर लिया वाई डेज। अब हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में क्या करना होगा, ये वाले कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने होंगे। यानी कि वन डे वर्क डन, एक दिन में कितना वर्क डन होगा वो भी हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आप सपोज कर लीजिए फॉर द टाइम बीइंग कि 10 डेज में कोई एक काम कंप्लीट होता है ना, 10 डेज में कोई एक काम कंप्लीट होता है। जब भी काम कंप्लीट होगा तो आप वन लेंगे। अब मुझे जानना है कि एक दिन में यानी वन डे में उस वर्क का कितना पार्ट पूरा हुआ होगा, कितना हुआ होगा। तो क्या करेंगे, हमें देखें यहाँ पे 10 डेज से यहाँ पे क्या आ गया, वन डे आ गया। यानी कि हमें वन अगर लाना है इस, तो हमें क्या करना होगा, इसके दोनों तरफ 10 से डिवाइड करना होगा। यानी इधर भी हम 10 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी, क्योंकि मैथ का रूल ही कहता है कि जो कुछ भी करेंगे दोनों तरफ, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनल वन आ जाएगा ना यहाँ पे, 10 1 जा 10। तो वन डे का कितना मिल गया हमें, 1/10 पार्ट मिल जाएगा। जो भी वर्क है उसका 1/10 पार्ट डन होगा एक दिन में। इसको हम एक और छोटे से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, इससे आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि 2 डेज में कोई एक काम कंप्लीट हो जाता है, 2 डेज में कोई काम कंप्लीट हो जाता है, तो वन डे में कितना होगा। तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर हाफ होगा, जब 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वन डे में हाफ होगा। तो देखो हाफ को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 ही तो लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, यहीं पे फिर से 2 से डिवाइड हो गया तो दोनों तरफ। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, यहाँ भी लगा लेंगे। यानी सिंपली हमने क्या कर दिया कि जो डेज था उसका रेसिप्रोकल ले लिया। यहाँ पे भी 10 डेज था तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/10। यहाँ पे 2 डेज था तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2। तो देखिए यहाँ पे कितना डेज लिया जा रहा है, एक्स डेज, तो क्या हो जाएगा ये 1/x। और यहाँ वाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y, राइट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या कह रहा है, टू वुमेन एंड फाइव मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो पहले यहाँ पे मेंशन ही कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। अब देखिए टू वुमेन है, एक वुमेन है ना, बाई अ वुमेन, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 1/x। तो टू वुमेन कितना करेंगी, डेफिनेटली ये 2 × 1/x होगा, यानी कि 2/x पार्ट डन करेंगी, है ना। इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई ही क्यों होगा। तो आप मान के चलिए कि एक पर्सन 4 चेयर बनाता है, राइट, 4 चेयर बनाते हैं, तो 3 पर्सन कितना बनाएंगे। तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, पर्सन को और ये जो वर्क है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो हमें कितना मिल जाएगा ये, 2/x। अब देखिए आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में जो इक्वेशन बनाना है वो कैसे बनाना है वो अब समझना है हमें। तो देखिए ये टू वुमेन था तो एक दिन का हम वर्क डन निकाल लेंगे, पहले एक दिन का। तो एक दिन में जो दो और टू वुमेन कितना वर्क करेंगी, 2/x। तो यहाँ पे आप मेंशन कर ले 2/x। एंड सेम थिंग फाइव मेन है तो फाइव मेन कितना काम पूरा करेंगी एक दिन में, तो एक का है 1/y, तो फाइव का कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, 5/y। अब टुगेदर यानी कि हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, राइट। ये जो हमने निकाला ये दोनों को प्लस करके, ये एक दिन का वर्क डन है, 2 वुमेन का एंड 5 मेन का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कितने दिनों में पूरा कर देता है, 4 डेज में, जबकि ये 1 डेज का है। तो हमें इसको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो ये एक काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब देखिए अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर इसको हम शिफ्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, 2/x एंड प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड अप्लाई करते हैं। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या है, थ्री
वुमेन एंड सिक्स मेन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। सेम थिंग हम अब यहाँ पे कर लेंगे। देखिए एक मैन एक दिन में कितना काम कर रही है, 1/x, तो इस बार 3 वुमेन है तो 3 वुमेन कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगी, तो फिर से क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आ जाएगा ये 3/x। तो यहाँ पे आप लिख लें 3/x एक दिन में वर्क डन। वैसे मेन 6 हैं तो 6 मैन कितना काम पूरा करेंगी, तो ये हो जाएगा 6/y। अब टुगेदर हमें ले लेना, यानी को दोनों मिल करके कितना काम करेंगे एक दिन में, तो ये काम हो गया उसका। अब कह रहा है कि एक दिन में ये कंप्लीट नहीं करते हैं, कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 3 डेज में। तो ये 1 डेज का वर्क डन है दोनों का मिल करके। अब 3 डेज में पूरा करता है तो 3 से हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा। अब अगेन ये देखिए 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो क्या मिल जाएगा 3/x एंड प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। ये मिल गया हमें इक्वेशन सेकेंड। देखिए अगर ऐसे आपको मुश्किल लगा हो ना इक्वेशन बनाना, तो ये दो चीज़ें आपको निकाल लेना, यानी कि ये वाली लाइनें और ये स्टेटमेंट दोनों लेट करने हैं, उसके बाद फिर ये और ये लेट कर लेना है। और सिंपली ये देखिए वुमेन का था, जितने वुमेन होंगे उसको न्यूमरेटर में रख देना है और फिर जितना मैन होगा उसके न्यूमरेटर में, और दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है। और फिर जितना भी डेज होगा ना उसको मल्टीप्लाई में रख के सिंप्लीफाई कर लेना है। अब चलिए इन दोनों को हमें क्या करना है, सोल्व करना है, तो सोल्व कर देते हैं इन दोनों को। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करना होगा, तो रिड्यूस कर लेते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में 2 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 × 1/x, एंड प्लस 5 है तो क्या लिखेंगे इसको, 1/y हो जाएगा एंड इक्वल टू 1/4। सेम थिंग इस वाले को भी लिख लीजिए, तो 3 × क्या आ जाएगा, 1/x, एंड प्लस 6 है तो 6 × 1/y इक्वल टू 1/3। अब लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। अब इसकी वैल्यू हम एक इसको इक्वेशन चलिए 1 कहते हैं और ये इक्वेशन 2 है, तो इस वाले 1 और 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, या इसको ना नाम चेंज कर देते हैं, इसको कह देते हैं 3 और इसको कर देते हैं 4। तो अब इसकी वैल्यू 3 और 4 में पुट कर देंगे, तो वही स्टेटमेंट हमने मेंशन कर लिया कि 1/x एंड 1/y की वैल्यू हमें पुट करना है किस में, 3 और 4 में। तो देखिए पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 3 में यहाँ 2 है तो 2, एंड 1/x की जगह हमें m रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये m एंड प्लस 5, और ये क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 1/4। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3m एंड प्लस 6 n इक्वल टू 1/3। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको हमने कह दिया ए और इसको कह देते हैं बी। एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एम को इक्वेट कर लेते हैं, तो इसके लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसमें कर देते हैं 2 से, तो फाइनल देखिए क्या मिल जाएगा हमें। देखिए 1/x इक्वल टू हमने m लेट किया था, तो 1/x एंड इक्वल टू m, m की वैल्यू कितना आ गया, 1/18। अब रेसिप्रोकल ले लीजिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18, यानी कि जो हमने लेट किया था कि वुमेन कितने दिन में फिनिश करती हैं, x डेज में, तो वुमेन कितना लेंगी, x यानी 18 डेज लेंगी वो। एंड उसके बाद आइए अब इसका निकालते हैं मेन का, तो वो क्या था, 1/y इक्वल टू n, तो 1/y इक्वल टू n, तो n की वैल्यू देखिए कितना मिल चुका है, 1/36, तो फाइनल y इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें, 36, यानी कि जो मेन होगा, मेन एक मेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 36 डेज में, एंड एक वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 18 डेज में, राइट। तो इसको आप मेंशन भी कर लेना।